एवरीवन, वेलकम बैक इन द वर्ल्ड ऑफ अनंत एंड मॉम। तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी ओरल केयर के बारे में। तो बच्चों को ब्रशिंग कब से करवाना है, उन्हें ब्रश कब इंट्रोड्यूस कराना है, कौन सा ब्रश यूज करना है, कौन सा पेस्ट यूज करना, हमें कैसे ब्रशिंग कराना है, कंप्लीट ओरल हाइजीन का ध्यान हमें कैसे करना है न्यू बॉर्न से लेकर टोडलर तक बच्चों, अगर ये सारे सवाल आपके भी मन में हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। कंप्लीट ओरल हाइजीन के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, बिकॉज मेरा बेटा अभी 3 साल का हो चुका है। वो अपने 2 टाइम का ब्रशिंग रूटीन यानी कि मॉर्निंग एज वेल एज इन द नाइट दोनों बहुत ही अच्छे से इंजॉय करता है। इवन मतलब हमें बहुत अच्छा फील होता है उसके साथ, उसे हमारे साथ इंजॉय करते हुए देख के। तो ये चीज़ मैंने कैसे की, मैंने ये सारी चीज़ें कैसे इंट्रोड्यूस की, मैं अपने बच्चे के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करती हूँ, कब से यूज़ कर रही हूँ, कौन सा पेस्ट यूज़ करती हूँ, इन सब की नॉलेज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो इज टोटली ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, यूजफुल लगे, देन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अस। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, बेबी से रिलेटेड एज वेल एज मॉम से रिलेटेड एंड पेरेंटिंग जर्नी के बारे में। मेरा बेटा 3 साल का हो चुका है और ये 3 साल की जर्नी में जो मैंने फील किया है, जो मैंने नोटिस किया है, वो ये है कि ओरल हाइजीन का ध्यान हमें एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ में रखना चाहिए। आफ्टर 2 वीक आप ओरल केयर शुरू कर सकते हैं बच्चे के साथ। आप अगले 6 महीने तक, क्योंकि बच्चा उस समय सॉलिड नहीं लेता है, सिर्फ दूध पे ही रहता है, तो आपको उसका जो ओरल केयर का ध्यान रखना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है, क्योंकि वो ब्रश नहीं कर सकता, बाकी चीजें नहीं कर सकता, बट स्टिल हमें ऐसा कई बार लगता है ना कि बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है तो ओरल केयर की जरूरत क्या है, बट जरूरत है। कई बार सुना होगा कि 6 महीने के ही बच्चे को टीदिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये चीजें जो ओरल हाइजीन है ना, वो बच्चों को आगे चल के टीदिंग में बहुत ही हेल्प करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चों के दूध के दांत है, मिल्क टीथ जो है, उनका इतना क्या यूज है, इतना ध्यान रखने की क्या जरूरत है, बिकॉज एक टाइम के बाद वो सारे मिल्क टीथ निकल जाते हैं एंड देन फिर रियल वाले आते हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो मिल्क टीथ होती है ना, जहां से निकलती है उसी जगह से जो ओरिजिनल हमारे दांत आते हैं वो वहीं से आते हैं, तो उस जगह का अच्छे से साफ सुथरा होना और अच्छे से ध्यान रखना हमें बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर मिल्क टीथ में आपके बच्चे को कैविटी की प्रॉब्लम हो गई तो वो आपको लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। क्योंकि अगर वो जो प्लेस, ऐसे बोलते हैं ना कि मिट्टी खराब है तो वहां से पौधा नहीं निकल सकता या खराब पौधा आता है, तो जो हमारे मसूड़े हैं, गम्स हैं, वो वही मिट्टी है जिसमें तीद नाम का जो हमारा दांत है वो पौधा वहां से उगेगा। तो अगर मिट्टी खराब है, मिट्टी अगर जगह सड़ चुकी है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से अच्छे दांत निकलेंगे मिल्क तीद गिरने के बाद, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें आफ्टर 2 वीक, बेबी के बर्थ के 2 हफ्ते बाद ही हमें उनके ओरल हाइजीन का केयर करना है। तो बॉर्न बेबी के ओरल हाइजीन, ओरल केयर में क्या आता है, तो न्यू बॉर्न बेबी के साथ आपको कुछ ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक मलमल का कपड़ा लेना है या सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा, नैपकिन आप ले लीजिए एंड उसे अच्छे से वॉश किया होना चाहिए, मीन्स प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए, वो कपड़ा धुला हुआ अच्छे से धूप में सूखा हुआ होना चाहिए, और बस उसे हल्का सा पानी से गीला कर लें और अच्छे से जो गम्स रहते हैं इस तरह से अच्छे से स्लोली स्लोली स्मूथली आपको वाइप करना है, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। और सिमिलरली आप बेबी का जो टंग का बीच का एरिया, आप देखते होंगे कि कुछ टाइम बाद वो एरिया वाइट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ दूध पे रहता है, दैट्स वाई वो एरिया थोड़ा वाइट हो जाता है। तो आपको बस हल्के हाथों से धीरे धीरे वो टंग को क्लीन करना है एज वेल एज गम्स को क्लीन करना है आपको। हाँ, ये थोड़ा वीडियो में भी लंबा हो जाए क्योंकि हम इसमें बेबी के ओरल केयर की डिटेल में बात करने वाले हैं, तो बट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो फिर बच्चा सॉलिड पे शिफ्ट हो जाता है, बट बच्चा कम्प्लीटली उस समय भी सॉलिड पे शिफ्ट नहीं होता है। स्टार्टिंग में हम बच्चे को लिक्विड फूड ही ऑफर करते हैं, लाइक दाल का पानी,
प्यूरी वगैरह, एप्पल प्यूरी या वेजिटेबल प्यूरी, यही सब चीजें देते हैं, या फिर थोड़ा सा मैश करके चीजें, मीन्स अगले 2 महीने तक तो इस तरह की ही चीजें देते हैं। तो उस समय हमें ओरल हाइजीन का क्या ध्यान रखना है? तो आजकल मार्केट में वैसे ओरल केयर के बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट आपको उसको चूज करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना है। तो मैंने जो मेरा बच्चा सॉलिड पे शिफ्ट हो गया था आफ्टर 6 मंथ, तो मैंने उसके लिए एक सिलिकॉन ब्रश यूज किया था इस तरह की पैकिंग में। ये बेबी हग का मैंने लिया था, आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे फर्स्ट क्राई पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जो जहां से भी आप शॉपिंग करती हैं वहां पे बेबी ब्रश। लेकिन आपको ध्यान रखना है यही कि आपको सिलिकॉन फिंगर ब्रश लेना है। यस, दिस इज अ सिलिकॉन फिंगर ब्रश, दिस इज अ सिलिकॉन फिंगर ब्रश, इस तरह का कुछ आता है। ये बहुत ही, आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसके ब्रिसल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आपको बस इस तरह से पहनना है। एंड देन बेबी के जो गम्स एरिया है, टंग है, उसको बस आपको अच्छे से हल्के हाथों से धीरे धीरे ऐसे क्लीन करना है। तो जो भी बच्चा थोड़ा बहुत लिक्विड खाता है उसका जो भी थोड़ा बहुत अगर बच गया उसका, तो वो इससे क्लीन हो जाएगा अच्छे से। तो ये आप बेबी के जब तक तीद नहीं आते हैं, कई बार होता है बच्चों के 6 महीने में ही तीदिंग शुरू हो जाते हैं। मेरे बेटे का आफ्टर 9 मंथ कंप्लीट, जब उसने 9 महीने कंप्लीट कर लिए थे तब तीदिंग स्टार्ट हुई थी। तो 9 महीने तक मैंने इसी तरह का ब्रश यूज किया था। तो जब तीदिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों का, तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो हर चीज बाइट करने के लिए दौड़ते हैं, उन्हें हर चीज मुंह में लेना होता है और चबाना रहता है, क्योंकि उनके तीद आ रहे होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको अपने बेबी पे भी देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। उस टाइम आपको अपने बच्चे का ओरल हाइजीन का ध्यान और भी ज्यादा रखने की जरूरत होती है। तो अगले, जब तक बच्चे का तीद नहीं आए तब तक, आफ्टर 6 मंथ से लेके जब तक बच्चे का तीद निकल नहीं जाता है, तब तक आप इस तरह का सिलिकॉन फिंगर ब्रश उसके लिए यूज करिए। दिस इज वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल। मेरे बेटे का तीदिंग स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने कुछ इस तरह का बनाना ब्रश खरीदा, ये भी आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाता है, इसका नाम बनाना ब्रश है। तो इसके भी देखिए आप ब्रिसल्स काफी, ये पूरा ही ब्रश सिलिकॉन का ही है, तो इसके ब्रिसल्स भी कितने सॉफ्ट हैं। एंड ये देखिए, तो इस तरह का कुछ मिल जाता है, वो बहुत ही हैंडी रहता है, बच्चा इजीली इसको ऐसे अपने मुंह में कैरी भी कर सकता है। और आप अगर इसको एज अ टीदर भी यूज करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सैनिटाइज रहे, क्लीन रहे, ये आपको ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। एज अ टीदर भी आप इसे यूज कर सकती हैं, और इससे ना काफी इजीली क्लीनिंग भी हो जाती है, जो चाहिए वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो आपको बहुत सारे ऐसी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज ही उनके एज के अकॉर्डिंग सफिशियंट होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि वो जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो, ताकि आपका 10 चीजों का काम एक चीज ही कर ले। तो ये ब्रश वही है, एज अ टीदर यूज कर सकती हैं आप, एज अ ब्रश यूज कर सकती हैं, जो चाहे वो। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे खुद ऐसे पकड़ के कर सकते हैं। तो ये रहा, जब उसकी टीदिंग हो रही थी तब मैंने ये यूज किया था। एंड देन जब अनी 1 साल का हो गया ऑलमोस्ट, मतलब जब उसने सारी चीजें खाना शुरू कर दी, लाइक दूध रोटी या फिर पराठे, जो भी चीजें मैं उसको देती थी, रेसिपीज मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शेयर की है। अगर आपको चेक करना है कि क्या खाता है, तो आप रेसिपी प्लेलिस्ट, बेबी रेसिपी प्लेलिस्ट में जाके बिल्कुल चेक कर सकती हैं। तो जब उसने खाना शुरू कर दिया था अच्छे से, तब मैंने फर्स्ट जो उसका ब्रश परचेस किया था वो ये था, कीकू का। तो ये उसका 3rd या 4th ब्रश है तब से, क्योंकि हर 6 to 7 या 8 महीने पे मैं चेंज कर देती हूँ जब भी वो, क्योंकि बच्चे ना ब्रशिंग से ज्यादा, ये देखिए बच्चे इसको चबा लेते हैं, तो मेरा बच्चा इसको ना ऐसे चबाना शुरू कर देता है, उसकी वजह से ब्रश जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये उसका 3rd या 4th ब्रश है। तो ये कीकू का ब्रश बहुत ही अच्छा है, और ये ऐसे, क्योंकि 1 साल का बच्चा आराम से ब्रश पकड़ सकता है, तो आप उसको ये ब्रश बिल्कुल दे सकती हैं। ये ज्यादा, मतलब ऐसे ना छोटा है ना बड़ा है, बहुत ही हैंडी है, इजीली पकड़ सकता है वो, और इसके ब्रिसल्स काफी सॉफ्ट हैं। तो 1 साल के बाद मैंने ये ब्रश परचेस किया था फर्स्ट।
उसके बाद मैंने कुछ नया ट्राई करने का मन किया, तो मैंने ये ब्रश लिया। ये जॉर्डन का है, 149 का। ये दो पीस का सेट मिल जाता है ब्रश का। तो ये ब्रश ना मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे बहुत ही क्यूट लगा तो मैंने शॉपिंग कर ली इसकी, बट मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो आप देख सकते हैं ये पिछले एक साल से ऐसे ही नया पड़ा है। आप 1 साल के बच्चे को ये भी दे सकते हैं, बट इसका थोड़ा सा ब्रिसल्स मुझे 1 साल के बच्चे के लिए हार्ड लगा, क्योंकि उनके मुश्किल से 4 या 6 तीद ही रहते हैं उस टाइम पे, तो ये थोड़ा हार्ड है। तो बेटर है कि आप 1.5 साल का हो तब ये ब्रश दें उसको। और इसकी प्राइस आपको ये 279 में मिल जाता है एक ब्रश। तो आई डोंट नो, मतलब आपके बजट के हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप परचेस कर सकती हैं। तो बट ये काफी अच्छा है स्टार्टिंग में बच्चों को ब्रशिंग सिखाने के लिए। दूसरा मैंने एक ये मिमी का वांस में मंगा के अभी जस्ट रखा हुआ है, बट मेरे बेटे ने आई डोंट नो कहीं रख दिया है, तो मैं ऐसे पिक्चर आपको दिखा दूंगी। तो ये काफी सस्ता है और बहुत ही अच्छा है, इसका भी ब्रिसल्स बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बेटा 2.5 साल से ऊपर का है तो आप बिल्कुल ये ट्राई करिए, बेफिक्र होके ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया है एंड काफी हैंडी भी है। साइज भी लंबा है, कीकू के ब्रश से थोड़ा लंबा है। ब्रश थे जो मैं अपने बेटे के लिए इस्तेमाल करती आ रही हूँ अकॉर्डिंग टू हिज एज। एंड नेक्स्ट आती है टंग क्लीनर की बारी, हम उसे तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकते, क्योंकि ना जब बच्चे दूध से सॉलिड पे शिफ्ट होते हैं तो उनका जो मतलब टंग रहता है ना वो थोड़ा ज्यादा गंदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो चीजें खाते हैं अलग अलग, कभी येलो कभी व्हाइट, अलग अलग कलर हो जाता है जो भी चीजें वो खाते हैं उसके अनुसार। तो फर्स्ट जो मैंने उसके लिए टंग क्लीनर लिया था वो ये है। दिस इज अगेन अ बेबी हग प्रोडक्ट, यू कैन बाय एनी काइंड ऑफ ब्रांड। तो आपको बहुत सारे वैसे भी एन नंबर्स ऑफ ब्रांड मिल जाएगा। स्पेशली मैं तो जनरली फर्स्ट क्राई से ही शॉपिंग करती हूँ, वो ना बेबी रिलेटेड ऐप है और मुझे इजीली वहाँ पे चीजें मिल जाती है, तो इसीलिए। तो ये बेबी हग उनका इनसाइड ब्रांड है, ये आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा। तो आप मिमी का या फिर कीकू का बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो आप उसका ले सकते हैं। तो ये ना इस तरह से कुछ है बना हुआ, ये देखिए बड़ों का भी आता है इस शेप में, मेरे पास था तो ऐसा छोटे बच्चों का आता है, तो ये पकड़ भी सकते हैं, वो खुद से भी ऐसे करते हैं। और ये काफी सॉफ्ट है ना, तो उनके टंग को कुछ हार्म भी नहीं होता है और इजीली वो ऐसे ऐसे क्लीन कर लेते हैं। यानी जब तक 2 साल का था तब तक मैंने इसी तरह का टंग क्लीनर यूज किया, एंड देन जब वो बड़ा हो गया तो थोड़ा बड़ा वाला लिया मैंने कुछ इस तरह का। ये लायन का मुंह बना हुआ है, ये है मिमी का, मिमी ब्रांड है उसका है ये। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, इस तरह से बना हुआ है, इसका थोड़ा लंबा है क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका वो क्लीनिंग एरिया बड़ा होता है, तो थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो जाता है और काफी अच्छा क्लीन करता है। और ये काफी सस्ता है, ये मुझे मिला था 149 का और ये आई थिंक 40 या 50 रुपीज का ही है। तो बहुत ही अच्छा है एंड देखने में भी काफी कलरफुल है और बच्चे काफी इजिली पकड़ के ऐसे खुद से भी कर सकते हैं। तो ये टंग क्लीनर था, करेंटली मैं यही यूज कर रही हूँ अनी के लिए। तो ये था ब्रश एंड टंग क्लीनर की बात। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए एंड कब से यूज करना चाहिए। तो मैंने मेरे बेटे को ना 1 साल होने के बाद ही टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस किया, उसके पहले मैं टूथपेस्ट नहीं उसको देती थी। तो जब वो 1 साल का हो गया तो मैंने जो फर्स्ट टूथपेस्ट ऑर्डर किया था वो ये था। ये है मामा अर्थ का बेरी ब्लास्ट टूथपेस्ट फॉर किड्स, SLS एंड फ्लोराइड फ्री, 100% नेचुरल। तो हमें ध्यान रखना है ना कि जो बच्चों का टूथपेस्ट कोई भी ब्रांड का आप ले, इसके भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं और बहुत सारे ब्रांड भी आते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से अभी तक यही यूज कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैंने मिक्स फ्रूट का मंगवाया था बट मेरे बेटे को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, दैट्स वाई फिर मैंने यही कंटिन्यू करना शुरू किया। बस आपको ध्यान ये रखना, आप कोई भी ब्रांड का परचेज करें बस आपको ध्यान रखना है कि वो फ्लोराइड फ्री होना चाहिए, दैट्स ऑल। अभी यही पेस्ट यूज कर रही हूँ, मे बी चेंज करने का सोच रही हूँ, लेट्स सी कौन सा पसंद आता है, देन फिर मैं चेंज करूंगी। तो ये था मेरे बेटे का ओरल केयर रूटीन पूरा। आई होप आपकी सारी क्वेरी का आंसर इस वीडियो में मैंने दे दिया होगा। स्टिल आपके पास अगर और भी कुछ क्वेरी है देन प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप कुछ भी पूछ सकती हैं इससे रिलेटेड, और भी अगर आपके कुछ जानना हो तो ओरल केयर से रिलेटेड। तो ये था मेरे बेटे का ओरल केयर रूटीन और मैं उसके न्यूबॉर्न से लेके अभी तक 3 ईयर होने तक मैं क्या क्या यूज की हूँ, कैसे यूज की हूँ, वो सारी चीजें इसमें हैं।
आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ओरल केयर रिलेटेड टू बेबी। वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मॉम्स के साथ भी प्लीज शेयर करिए ताकि सबको इसके बारे में पता रहे। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।